सियालकोट में भत्ता माफिया सरगर्म भत्ता ना देने पर मुलजमान ने ताजिर की दुकानों में घुसकर मुलाजमीन को जदोकॉप किया और कत्ल की धमकियां दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भत्ता ना देने पर मुलजमान गारमेंट्स की दुकान में गुस्से और आते ही दुकान मालिक और मुलाजमीन पर तशद्दुद करते रहे, जबकि वाकया थाना कोतवाली के इलाके रेलवे रोड की तरह एक मारूफ गारमेंट्स की दुकान पर पेश आया। भत्ताखोरी का वाकया मरकजी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के सदर शेख तैयब की बाबा अज गारमेंट्स के पेश आया। ताज शेख तैयब की दरख्वास्त पर थाना कोतवाली पुलिस ने 3 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि नासिर शेख तैयब ने बताया कि मुलजमान को पहले भी भत्ता दे चुका हूँ, जबकि इस बार भत्ता ना देने पर मुलजमान ने मेरी गारमेंट्स की दुकान में घुसकर मेरे बेटे और मुलाजमीन को ज़दोकॉप किया और भत्ता ना देने पर कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मियां मोहम्मद सलीम, ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज़, सियालकोट।